मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं गोवंश राइट एक्टिविस्ट। आप देख सकते हैं कि इस समय हम चचाई घाट के बिल्कुल ठीक नीचे पानी के पास आ चुके हैं और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मवेशी इनको कि नीचे उतार दिया गया था, यहाँ पे देखे जा सकते हैं और मैं आपको पूरा वाक्य दिखाऊंगा। आह आह, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ है और ये सब झुंड में मवेशी हैं यहाँ पे, और ये दुर्दांत यहाँ की घाटियाँ हैं, हजारों फीट नीचे खाई में। आखिर ये मवेशी यहाँ पे कैसे आए? स्वाभाविक है कि इनको यहाँ नीचे उतारा गया है, चचाई का घाट है, आप चारों तरफ से देख सकते हैं, और यहाँ पे हम उतरते हुए नीचे आए और ये सब सामने आप देख सकते हैं कि गोवंश हैं, ये मवेशी यहाँ पे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको सुरक्षित कैसे निकाला जाएगा और क्या किया जाएगा इनका, हम आपको चल करके पूरा वाक़या दिखाते हैं। यह मामला है मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत चचाई घाट का। चचाई का जो पहाड़ है, घाटी है जलप्रपात की, वहाँ का ये दृश्य है। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े चट्टान पत्थर, साइड में यहाँ पे पानी है और ये एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में है ये मवेशी। आए आए आए, आह आह, आप देख सकते हैं कि एक दो की संख्या में मवेशी नहीं है, सैकड़ों की संख्या में मवेशी हैं। इनको आगे से चल के किसी तरह से घेरने का प्रयास। ये देखिए, अब आप और करीब से, आह आह आह, ये नज़ारा देख रहे हैं आप, ऐसे लग रहा है कि जैसे घर गांव, आह आह आह, घर गांव की स्थिति है। अब सवाल ये उठता है कि इन मवेशियों को ऊपर नीचे तो उतार दिया इन लोगों ने, नीचता की हरकत करके, लेकिन और इन मवेशियों को ऊपर ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में मवेशी हैं और एक घाट है चारों तरफ, जो हम हज़ार फीट नीचे गहरी घाट में हम उतर करके आए हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इसके चोट लगी, ये चोट लगी हुई है और इस तरह से मवेशी आप देख सकते हैं ये पूरा। धन्यवाद, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता।